हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। टाटा पंच पे हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट कर दी है अपने चैनल पे, बट हम आज आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आ गए हैं। ये जो गाड़ी हमारे पास, ये है टाटा एल्ट्रॉस और ये जो हमारे पास है ये है टाटा पंच। तो डिफरेंस हम देखने वाले हैं इन दोनों के ही बेस वेरिएंट के बारे में। अब गाइस, इससे पहले आप कमेंट कर दें कि ये दोनों कार्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की है एंड इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यस, आपका सोचना बिल्कुल सही है। थ्योरेटिकली इनका कंपैरिजन करना एक जेन्युइन कंपैरिजन नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो कार है वो दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की है। बट गाइस, जब भी हम बात करते हैं कार लेने की तो हम प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड पे भी फोकस करते हैं। एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी लेने शोरूम में जाते हैं टाटा के, तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इन दोनों ही कार्स के बेस वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। क्योंकि ये दोनों ही कार बेस्ड है टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पे, दोनों ही कार्स ने 5-स्टार रेटिंग अचीव की है ग्लोबल एनकैप टेस्ट में, दोनों ही कार्स में आपको सेम ही इंजन देखने को मिलता है। और लास्ट बात जो है वो ये है कि इन दोनों के ही प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पंच के प्योर रिदम वेरिएंट और टाटा एल्ट्रॉस के XE रिदम वेरिएंट के बारे में, और जानेंगे कि आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन इन दोनों में से क्या होगा। बट बिफोर दैट गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी यूनिक वीडियोज लाते रहते हैं। यहाँ पे आप कीज़ देखेंगे एल्ट्रॉस की, तो कीज़ आपको एल्ट्रॉस की रिमोट वाली मिलती है, बट पंच की आपको कीज़ मैनुअल मिलती है दोनों ही। तो हम बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंजन ऑप्शंस की। टाटा एल्ट्रॉस की बात करें गाइस, तो टाटा एल्ट्रॉस में आपको तीन टाइप्स के इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि है एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक टर्बो पेट्रोल इंजन और एक है डीजल इंजन। बट हम कंपैरिजन जो है वो टाटा पंच से इस वजह से नहीं कर सकते इसके बाकी इंजन का, क्योंकि पंच में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इस वजह से पंच का जो कंपैरिजन होगा वो रहेगा सिर्फ एल्ट्रॉस के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। तो इंजन हमने यहाँ पे दोनों के सेम कर दिए हैं। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों की नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको प्रोड्यूस करते हैं अराउंड 84 bhp ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 3-सिलेंडर इंजन आते हैं दोनों में ही, बट पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि पंच का जो रिफाइनमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर है एल्ट्रॉस के कंपैरिजन में, जो कि मैंने ड्राइविंग करते वक्त फील किया है। अब बात करते हैं दोनों की फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट में आप देखेंगे बहुत ही बेसिक से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं हम टाटा पंच से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको DRLs देखने को मिल रही हैं, बट ये जो DRLs है वो आपको हेलोजन में ही मिलती हैं, LED में नहीं मिलती। उसी के साथ नीचे आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं और हेडलैम्प्स अगेन इसके हेलोजन ही है। उससे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको जनरली फॉग लैम्प्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे आ जाते हैं हम एल्ट्रॉस पे। एल्ट्रॉस में देखेंगे DRLs इसमें नहीं आते हैं, बट यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं वो आपको हेलोजन ही मिलेंगे। बाकी उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं, यानी कि फीचर वाइज ऑलमोस्ट ये आपको सेम ही लगती हैं दोनों ही। और तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि दोनों कार का सेगमेंट जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से टाटा पंच जो है वो थोड़ी सी आपको SUV टाइप की लगती है एंड एल्ट्रॉस जो है वो एक हैचबैक है, इस वजह से थोड़ा आपको प्रीमियम कार वाला फील देती है। इस वजह से इन दोनों के लुक्स का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होने की वजह से। बाकी प्लेटफॉर्म आपको सेम ही मिलेगा दोनों में, जो कि है टाटा का अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म, जिसमें इन दोनों ही कार्स ने स्कोर की हैं 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। तो सेफ्टी के हिसाब से दोनों ही कार्स काफ़ी अच्छी है। हाँ, पंच ने थोड़े से ज़्यादा स्कोर अचीव की हैं, जिसकी वजह से पंच बन चुकी है इंडिया की सेफेस्ट कार। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप नोटिस करेंगे कि दोनों ही कार्स में आपको ना व्हील कवर्स देखने को मिलते हैं एंड अलॉय व्हील्स तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही कार्स हमारे पास जो है वो इनका बेस वेरिएंट है। पंच में जो आपको स्टील रिम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 15 इंचेस के, एंड यहाँ पे आपको एल्ट्रॉस में जो स्टील रिम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 14 इंचेस के। ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, क्योंकि 15 इंचेस के स्टील रिम देना पंच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इसमें 14 इंचेस के स्टील रिम दिए जाते तो इसका लुक जो है वो अच्छा नहीं लगता। बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की, तो टाटा एल्ट्रॉस में आपको जो ORVMs देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं फुल्ली ब्लैक पियानो फिनिशिंग में, बट पंच में जो आपको ORVMs मिलेंगे वो आपको ब्लैक में तो मिलते हैं,
बट ये जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग इसमें देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसमें आपको प्रीमियम फील नहीं आता। एनीवे, इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो RVMs है दोनों ही, ये आप ना ही अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही आप इन्हें ऑटो फोल्ड कर सकते हैं। एडजस्ट करना है आपको तो इन्हें दोनों को आपको ऐसे ही क्लोज करना पड़ेगा इस साइड से, और इसे भी हमने क्लोज कर देते हैं। इनफैक्ट आप इसे यहाँ से जो मिरर है इसका उसे भी एडजस्ट करेंगे तो कुछ आपको इस टाइप से ऐसे करना पड़ेगा इसे एडजस्ट, और सेम आपको टाटा पंच में भी मिरर को इस टाइप से थोड़ा सा करना पड़ेगा इसे एडजस्ट। इसके अलावा गाइस डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो ये आपको बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस लगेगा, बट है ये डिफरेंस क्योंकि प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों कार्स में। बॉडी कलर में आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, और ये जो डोर हैंडल्स पंच में मिल रहे हैं ये आपको बॉडी कलर में नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक सा ही डिफरेंस है। बाकी अच्छी बात ये है गाइस कि दोनों ही कार्स में आपको 90 डिग्रीज की डोर्स ओपनिंग देखने को मिलती है। एल्ट्रोज में यहाँ से आप देख सकते हैं 90 डिग्रीज पे इसका डोर ओपन हो रहा है, सेम पंच में भी ऐसी डोर ओपन होगा यहाँ से, और 90 डिग्री में सेम इसका भी आपको डोर ओपन होता है। बाकी अगर इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रियर प्रोफाइल में भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिज़ाइन का ही डिफरेंस है। आपको ना ही इसमें एलईडी टेल लैंप्स मिलती है, ना ही पंच में आपको एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिलती है। फिर डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है दोनों के बूट स्पेस में। यहाँ से मैं इसे बूट को ओपन करता हूँ, और एल्ट्रोज में जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 345 लीटर्स का, जो कि एक अच्छा बूट स्पेस है, डिसेंट है, एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। बट पंच में जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का मिलता है, जो कि है अराउंड 366 लीटर्स का। एक और बेनिफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंच में आपको बूट के साथ यहाँ पे पार्सल ट्रे भी दी गई है, बट एल्ट्रोज में आपको पार्सल ट्रे नहीं दी गई है इसके बेस वेरिएंट में। इसके अलावा गाइस बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो इंडिया में सिर्फ वही कार्स प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें आपको बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है या ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, वो कार्स भी प्रैक्टिकल होती हैं जो कि आपको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए, वो भी बिना रोक टोक के। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि टाटा पंच में जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो एक एडवांटेज ही है। ऑफ कोर्स ये जो कार है वो एक डिफरेंट सेगमेंट की है, इस वजह से आपको यहाँ पे 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। उसी के कंपैरिजन में अगर एल्ट्रोज को देखें तो यहाँ पे कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो कार है वो एक हैचबैक है, इस वजह से आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है वो मिलता है सिर्फ 165 mm का, जो कि काफ़ी कम ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड अगर आप अपनी सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं अपनी कार को, उसके लिए ये ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही परफेक्ट है। सिटी भी छोड़िए, हाईवे में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे ड्राइव करने में, बट जैसे कि बात आती है कंट्री साइड की, जहाँ पे थोड़े बहुत हमें टेरेंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको टाटा पंच जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। मोर ओवर गाइस दोनों के अप्रोच एंगल की बात करें तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी डिफरेंस देख पाएंगे। टाटा एल्ट्रोज का जो अप्रोच एंगल है वो बहुत ही कम है, बट यहाँ पे पंच का जो अप्रोच एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से जैसे आप थोड़े से बम्प वगैरह में इसको लेके जाएंगे तो डेफिनेटली ये हिस्सा जो है इसका वो टच नहीं होगा, बट एल्ट्रोज का हिस्सा डेफिनेटली टच हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बम्पर है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सटेंड होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से अप्रोच एंगल जो है वो उसका थोड़ा सा कम है। और उसमें हम इस गाड़ी को कोई ऐसा जज नहीं कर रहे कि अप्रोच एंगल इसका कम है, हमें भी पता है कि ये जो कार है वो एक हैचबैक है, बट हम सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं कंपैरिजन कि अगर आप कंट्री साइड ज़्यादा ड्राइव करते हैं तब आपके लिए पंच ज़्यादा अच्छी हो पाएगी एल्ट्रोज के कंपैरिजन में। एंड बाय चांस गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाटा पंच में आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेटर है एल्ट्रोज के कंपैरिजन में, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस का ही फर्क नहीं है दोनों ही कार्स में, फ्रंट सस्पेंशन का भी डिफरेंस है दोनों ही कार्स में। एल्ट्रोज में जो आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं वो रेगुलर दूसरी हैचबैक्स की तरह ही मैक पियर्सन स्टट असेंबली मिलती है, बट पंच में जो आपको सस्पेंशन सेटअप मिलता है उसमें आपको लोअर विशबोन भी मिलते हैं, एंड इस वजह से भी पंच का परफॉर्मेंस बैड रोड्स पे एल्ट्रोज के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बट यहाँ पे गाइस एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि फ्रंट के ही सस्पेंशन में डिफरेंस है दोनों ही कार्स में, रियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही मेजर डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा जब आप इन्हें ड्राइव करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ टाटा एल्ट्रोज में, और यहाँ से मैं एंटर हो गया हूँ टाटा एल्ट्रोज में, और यहाँ पे मुझे जो लेगरूम मिल रहा है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। इसकी लेंथ पंच के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है इस वजह से व्हील बेस भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड इस वजह से डिफरेंस आप यहाँ पे फील कर पाएंगे कि यहाँ पे लेगरूम मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। मेरी जो हाइट है वो है 5'9". अगर आपकी हाइट 6 फीट भी होगी तो भी आपका नी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे टच नहीं होंगे। ऑफ कोर्स इसका जो हेडरूम है वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कार है वो एक हैचबैक है, एंड टॉल बॉय डिज़ाइन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है।
तीन लोग इसमें बैठ पाएंगे या नहीं अगर आप मुझसे पूछे एक लाइन में, तो मैं बोलूँगा कि इजीली आप तीन लोग इसमें बैठ जाएंगे। और यहाँ पे पंच में जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा कि जो लॉन्ग व्हील बेस अल्ट्रोस में आपको मिलता है उसका डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको लेग रूम मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है नो डाउट, बट इतना नहीं मिल रहा है जितना कि आपको अल्ट्रोस में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट या पूरे ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ तो अल्ट्रोस में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो पा रहा था पंच के कंपैरिजन में। बट गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि ये जो कार है उसका डिज़ाइन जो है वो एक टॉलवर डिज़ाइन है, इस वजह से आपको हेडरूम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है अल्ट्रोस के कंपैरिजन में, जो कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपकी हाइट 6 फीट होगी तो आपके नीज टच हो ना हो बट हेड जरूर टच नहीं होगा। ये जो कार है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इस वजह से इसमें आपको तीन लोग बैठ तो जाएंगे बट जब बात करते हैं लॉन्ग जर्नीज की तब यहाँ पे अगर तीन लोग बैठे होंगे तो शोल्डर जो है वो हमारा हो सकता है थोड़ा सा टच होगा अल्ट्रोस के कंपैरिजन में। बाकी हाँ, अगर आप इसे अल्ट्रोस से कंपेयर ना करें तो उसका जो कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं अल्ट्रोस के इंटीरियर से। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो रिदम पैक में आपको जो फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं सेम उसी टाइप के फीचर्स आपको पंच में भी देखने को मिलेंगे, वो हम बाद में आपको चेकआउट कराते हैं। पहले यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है वो टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। हमन का आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल रहा है, 4 ही स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस वाली म्यूजिक सिस्टम के साथ। इसके अलावा गाइज आप जो चीज़ दोनों में नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि दोनों ही कार्स के आपको सिर्फ फ्रंट में ही आपको पावर विंडोज देखने को मिलती हैं, रियर में आपको पावर विंडोज देखने को नहीं मिलती, जो कि काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लग सकता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। जो अल्ट्रोस की विड्थ है वो थोड़ी सी पंच के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस वजह से जो इसका फ्रंट का कैबिन है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रूमी फील होता है। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको स्टेयरिंग में कोई भी ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स का बटन देखने को नहीं मिल रहा है, स्टेयरिंग आपको बिल्कुल ही ऑर्डिनरी से मिल रहा है और यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। एसी की बात करें तो मैनुअली एसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें है। ऑटोमेटिक अल्ट्रोस में अभी तक आया ही नहीं है, चाहे आप डीजल में ले लें या चाहे आप पेट्रोल में ले लें। ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इको और सिटी ही ड्राइविंग मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं टाटा पंच में। अब आ गए हम पंच के इंटीरियर में। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका डैशबोर्ड का पूरा लेआउट, तो डिफरेंट आपको डैशबोर्ड का लेआउट देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप जो चीज़ नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि अल्ट्रोस में मैंने आपको बताया था कि स्टेयरिंग में आपको कोई भी ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स नहीं मिलते, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिदम पैक में पंच के प्योर वेरिएंट के यहाँ पे आपको ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स दे दिए गए हैं। और इसमें आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो वही है सेम जो आपको अल्ट्रोस में भी अभी हमने देखा था। अल्ट्रोस की तरह ही सेम पंच में भी आपको फ्रंट में ही पावर विंडोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा है ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज का है बट अल्ट्रोस के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे छोटा फील होता है। एनीवे, फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल रहा है, बट ये जो एसी है वो काफ़ी हद तक देखने में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टाइप का लगता है जो अल्ट्रोस के बड़े वाले वेरियंट्स में आता है। ऑल्दो ये है मैनुअली बट अल्ट्रोस की तरह यहाँ पे आपको ज़्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलते हैं। और इनफैक्ट जो इसका पूरा लेआउट है उसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है और फिट एंड फिनिश में भी ये थोड़ा सा बेटर लगता है अल्ट्रोस के कंपैरिजन में, काफ़ी रॉबस्ट आपको उसका इंटीरियर लगता है, तो वो चीज़ मुझे पंच की थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आई अल्ट्रोस के कंपैरिजन में। 5 स्पीड का मैनुअल ही ट्रांसमिशन हमारे पास है इसका भी, तो हम उसी की बात करते हैं। इंजन हमने बता दिया था ऑलरेडी आपको कि सेम ही मिलता है पंच और अल्ट्रोस में। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। एक बार मैं इसकी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ, एक बार यहाँ से मैंने ऑन कर दिया इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अल्ट्रोस में भी आपको काफ़ी हद तक इसी टाइप का देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिलता है इसका, जो कि टैकोमीटर बोलते हैं जिसे हम, और राइट साइड में आपको उसका स्पीडोमीटर मिलता है। इसके अलावा इस दोनों ही कार्स में आपको अल्ट्रोस के बेस वेरिएंट और पंच के बेस वेरिएंट में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलेगा देखने को, जो कि काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। ओके, तो गाइस फीचर और इसका प्रैक्टिकलिटी का हमने डिफरेंस देख लिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट हमारा ये कहता है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिटी ड्राइविंग के लिए अपनी कार एक प्रेफर कर रहे हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको फीचर वाइज और स्पेस वाइज एक बेटर ऑप्शन मिले, तो अल्ट्रोस आपके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। बट अगर आप गाइज उन लोगों में से हैं जो ज़्यादातर ड्राइव करते हैं अपनी कार को हिली एरियाज में या फिर फ्रीक्वेंटली अपनी कार्स को कंट्री साइड ले जाते हैं, तो इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है ऐसी जगह पे से ड्राइव करने में जहाँ की थोड़ा सा आपको टेरेन वगैरह देखने को मिलते हैं।
इंजन की बात करें तो परफॉर्मेंस में दोनों ही कार्स बिल्कुल ही सिमिलर है। हाँ, थोड़ा सा पंच में मुझे रिफाइनमेंट ज्यादा लगी एल्ट्रॉस के कंपैरिजन में, बट डेफिनेटली इस वजह से आपके लिए एल्ट्रॉस जो है वो डील ब्रेकर नहीं होगी। तो गाइस अब आप हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप एल्ट्रॉस और पंच में से कौन सी गाड़ी को लेना प्रेफर करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।